हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एचपीएससी सेंटर में। आज अब डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर न्यूज़ के बारे में, जो कि आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है इंडो मंगोलियन जॉइंट एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2018 कमेंस्ड इन उलन बतार मंगोलिया। भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2018 मंगोलिया के उलन बतार में शुरू हुआ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मंगोलिया की कैपिटल की, उसकी जो कैपिटल है वो उलन बतूर, और यहाँ पे है गोबी डिज़र्ट। ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो टोग्रोक। ठीक है, अगर पूछ लें कि अभी एक रिसेंटली जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में भी हो रही है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये हो रही है उत्तराखंड में। ठीक है, और एक और एक्सरसाइज है जो कि रशिया करवा रहा है, जिसका नाम है वोस्टोक। ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है आफ्टर कोल्ड वॉर, तो रशिया और चाइना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गिरीश राधाकृष्णन एंड तजिंदर मुखर्जी हैव बीन अपॉइंटेड चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी एंड द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। गिरीश राधाकृष्ण और तजिंदर मुखर्जी को क्रमश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान बिगेन इन वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का विश्व आर्थिक फोरम वियतनाम में शुरू हुआ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगर मैं बात करूँ वियतनाम की, इसकी जो कैपिटल है वो है हनोई, और इसकी जो करेंसी है वो डोंग, और एशिया में 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो कि 26 जनवरी को यहाँ पे एज ए गेस्ट बुलाई गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है मिलिट्री फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉर द बिम्सटेक नेशन नेम्ड मिलेक्स 18 हैज़ बीन स्टार्टेड एट ऑन मिलिट्री स्टेशन इन पुणे महाराष्ट्र। बिम्सटेक देशों के लिए मिलेक्स 18 नामक सैन्य क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे में औध सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बे ऑफ बंगाल के फुल फॉर्म की, इसमें है 7 कंट्रीज। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें है 7 कंट्रीज। बट इसमें जो नेपाल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नेपाल ने बोल दिया कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इस सैन्य परीक्षण में। ठीक है, तो बाकी जो कंट्री है वो इसमें हिस्सा ले रही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है नोटेड जर्नलिस्ट एंड ऑथर इंद्रजीत भदवार विल रिप्रेजेंट इंडिया एज स्पेशल मॉडरेटर इन प्राग राइटर्स फेस्टिवल। प्रख्यात पत्रकार और लेखक इंद्रजीत भदवार प्राग राइटर्स फेस्टिवल में विशेष मध्यस्थ के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो प्राग किसकी राजधानी है, ये है चेक रिपब्लिक की। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है, वो है प्राग। ठीक है, इसको प्रागवे के साथ में कंफ्यूज मत करिएगा, प्रागवे जो है वो साउथ अमेरिका में है, एक कंट्री है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है ओम प्रकाश मिश्रा हैज़ स्वोर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ओम प्रकाश मिश्रा ने नेपाल के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेपाल की मैं बात करूँ, इनके जो प्रेसिडेंट है वो है विद्या देवी भंडारी, और यहाँ के जो पीएम है वो है केपी ओली। ठीक है, अगर ये पूछ लें कि नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, वो होती है सूर्य किरण। एक्सरसाइज है वो होती है सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹5 लाख ऑन द कोनाक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर द वायलेशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस रिलेटिंग टू द डायरेक्टर रिलेटेड लोन्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने निदेशक संबंधित ऋण से संबंधित निर्देशों दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए कोनाक शहरी सरकारी बैंक पर ₹5 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की बात करूँ, उसके जो गवर्नर हैं इस टाइम पे वो हैं उर्जित पटेल,
चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, केरला पुलिस विल होस्ट एन इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड कोकन 11th इन कोची। केरल पुलिस ने कोकन 11 नामक अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, ठीक है। केरल की मैं बात करूँ, पिनाराई विजयन यहाँ के हैं सीएम, पी सदाशिवम यहाँ के गवर्नर है, तिरुवनंतपुरम इसके कैपिटल है। तिरुवनंतपुरम में है आपका क्या, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है, जिसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं एस सोमनाथ, ठीक है। इसरो के हैं के सिवान, जो इसरो के अभी बने हैं ये पहले विक्रम भाई साराभाई के जो है वो डायरेक्टर थे, बट इनका इनको जो है इसरो का बना दिया गया, और अभी जो हैं वो हैं एस सोमनाथ, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, द इंडियन जूनियर मैन स्कीट टीम क्लिंच्ड अ सिल्वर वाइल गुरनिहाल सिंह गर्चा पिक्ड अप द इंडिविजुअल ब्रॉन्ज इन द सेम इवेंट एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप। भारत की जूनियर पुरुष स्कीट टीम ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में रजत, जबकि इसी स्पर्धा में गुरनिहाल सिंह गर्चा ने व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। अगर पूछ ले कि ISSF वर्ल्ड जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, वो है मनिक, मनिक कहाँ पे है, वो है जर्मनी में, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और यहाँ की जो करेंसी है यूरो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दूसरों के साथ इसे शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग।